मन की बात मोदी जी के साथ। नमस्कार, मन की बात में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आइए चले 100वें एपिसोड की ओर। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात का 100वां एपिसोड है जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। बहुत बड़ा माध्यम बन गई है, कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को शिक्षकों एवं बच्चों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना तथा उनकी बातों को बच्चों के द्वारा अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। हमें मोदी जी की मन की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी हमें मन की बात का 100वां एपिसोड दिखाया, ये हमें हमारे देश के लोगों के योगदान के लिए बताया था। जिन लोगों ने नए नए काम शुरू करे, देश के लिए योगदान दिए, साफ सफाई देखी, झीलों को साफ करा और लोगों को रोजगार दिया, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ज़रूरी बातें बताई जो हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं और अपने देश के काम में भी आ सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए योगदान दिए थे, उनका चेहरा हमारे सामने लेकर आया, जो लोगों से अलग थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि ऐसे लोग भी हमारे देश में मौजूद हैं जो हमारे देश के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अपने मन की बात पर लोगों की मन की बात पूरे देश भर तक फैलाई, इसलिए मोदी जी की बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। आप कल्पना करिए, 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है। हमने मोदी जी की मन की बात से ये सीखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और हम अपने भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। मोदी जी देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये 100वां एपिसोड हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जनपद नैनीताल के हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा देखा गया है, निश्चित ही विद्यार्थियों में आगे उत्साह का संचार करेगा और इससे न सिर्फ इस कार्यक्रम से बच्चे बल्कि शिक्षक और अभिभावक तक उत्साहित हुए हैं और निश्चित ही इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के मनोबल को बढ़ाने वाले होते हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के समस्त शिक्षक शिक्षिका साथी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं।